उसका दावा यह होता है, वो कहता है
कि बाइबल मुकद्दस जो है ये सारी मनगढ़ंत कहानियों से लिखी हुई है, ये सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर बातें लिखी हुई हैं ये ख्यालियां बातें हैं, ये फिलॉसफी है, ये एक दिन आएगा खत्म हो जाएगी। और वो ऐलान ये करता है कि 100 सदी के बाद आपको बाइबल मुकद्दस दुनिया पर नजर नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। और वो यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि 18वीं सदी में प्रेस जो थी यानी जिसे अखबार बोलते हैं वो जारी हो चुकी थी, और 18वीं सदी में वो प्रेस में ये बात लिखवा देता है, और जिस प्रेस में ये बात जारी करवाता है उस प्रेस का नाम होता है जिनावा। और जब उसमें लिखा जाता है तो ये कापियां जो थी प्रेस में ये बांटी जाती हैं, तो अखबार के हेडलाइन जो पेपर थी ऊपर था उसमें लिखा हुआ था बाइबल मुकद्दस 100 साल बाद खत्म हो जाएगी, बाइबल मुकद्दस 100 साल खत्म हो जाएगी। देखें आज 200 साल हो चुके हैं, वो शख्स तो मर गया लेकिन बाइबल मुकद्दस आज हमारे। लेकिन हैरान कुन बात ये है, हैरान कुन बात ये है कि जिस प्रेस में ये बात छपी थी कि बाइबल मुकद्दस 100 साल बाद बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसी प्रेस में से आज बाइबल छपी है। और उसका नाम पता क्या रखा हुआ है? जिनावा बाइबल सोसाइटी। क्या बात है, ये वो किताब है जो बदली नहीं है लेकिन जिसके अंदर उतर आती है उसको बदल देता है। तो आए इसमें से हम क्या सीखते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा थोड़ी देर बाइबल मुकद्दस में से 5 आयतें हम पढ़ेंगे। तो जो मेन टॉपिक है वो हमारा क्या है, लिखा भी हुआ जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में गया होगा शायद मैसेज, क्या है हमारा मेन टॉपिक? यहूदा का पत्थर। क्या है हमारा मेन टॉपिक? यहूदा का पत्थर। वो शेरे को अगर सुना आपने की वो दरअसल सही तरह की यही लफ्ज होता है यहूदा का पत्थर, शेरे बबर ने कहते हैं। आए कलाम में का 10 में से 5 नंबर जी कलाम में लिखा है, सुने सुने सुने, जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। ये तख्त पर कौन बैठा है? पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है, जब मैं पढ़ू बाइबल मुकद्दस में तब आपने बाइबल देख ली है, जब मैं आपको इसकी तशरीह करते हुए बयान करूं तो फिर आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी, थोड़ा सा रिस्पांस दें ताकि मुझे पता लगे आप सुन रहे हैं। ठीक है जी, कलामे मुकद्दस में लिखा है कि तख्त पर कोई बैठा है, और जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ में क्या है? किताब है। लेकिन ये तख्त पर बैठा कौन है? हमें पहले इसके बारे में जानने की जरूरत है। ये जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम इस किताब का मुतालिया करते हैं, इस चैप्टर का 5वां बाब का, तो हमें ये पता चलता है ये खुदा बाप की बात हो रही है, और खुदा बाप के दाहिने हाथ में क्या हमें नजर आ रहा है? एक किताब है जिसके बारे में लिखा है जो अंदर से भी और बाहर से भी लिखी हुई है। ये किताब कहां कहां से लिखी हुई है? अंदर से भी और बाहर से। तो इसका ये मतलब है ये बाइबल मुकद्दस नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस नहीं है। जब हम आगे पढ़ते हैं इसी के अंदर लिखा हुआ है ये हयात की किताब है। कौन सी किताब है? आपने शायद ये आज बहुत बार सुनी होगी कि भी अगर उनके नाम उस किताब में नाम मिले तो वो कहां पर फेंके जाएंगे? आग में। तो ये उस किताब की बात हो रही है। ये कहां कहां से लिखी हुई है? अंदर से भी लिखी हुई है और बाहर से भी लिखी हुई है। और आगे लिखा और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। कितनी मोहरें लगाई गई है जी? पूरी की पूरी 7। एक मोहर की बात नहीं हो रही, यानी पूरी कामलियत दे नालों की गई है, किताब बंद की गई है। और अगले ने लिखा फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से मनाती करते देखा। हम देखो ये फरिश्ता किस का है, मंजर पता है? मंजर आसमान पर है, और आसमान पर वो तख्त देखता। ये यूहन्ना अपनी रोया बयान कर रहा, कह रहा मैं तख्त पर हूं, देख रहा हूं एक शख्स है वो तख्त पर बैठा हुआ है, और उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर से भी बाहर से भी लिखी हुई है, और वो किताब जिसके हाथ में है उसके सामने एक फरिश्ता है, और वो फरिश्ता जोर से यानी पूरी ताकत नादी कर रहा है, मनादी कर रहा है। की कर रहा है? मनादी यानी अति भी आसमान पर मनादी हो रही है। ते आगे की लिखा है मनादी सुनी हुई है कि कौन इस किताब को
खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। फरिश्ता जी का नाधिकार है, वो है जो इंसान नहीं है। पहली बात तो ये सुनिए, यानी फरिश्तों के पास जो मकाशवा मिलता है वो ये मिलता है कि उन्होंने ये नहीं पता कि मैं बाइबल मुकद्दस या ऐ सॉरी या बाइबल मुकद्दस दे विच जेड़ी किताब दा जिक्र हो रहा है, फरिश्तियां नु ये नहीं पता कि कौन इहदियां मोहरां खोल सकदा है और तोड़ सकदा है। फरिश्तियां नु इलम नहीं है, लेकिन जे किसी शख्स नु होता है, फरिश्तियां नहीं है लेकिन किसी शख्स नु इस चीज दा इलम है। देखो कलाम च की लिखा होया, और कोई शख्स आसमान पर देख देख ये क्या कह रहा है, फरिश्ता क्या कह रहा है, अधूरी मनाती है इसकी, इसकी मनाती क्या है, अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। कह रहा है आसमान पर भी मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता जो इसकी मोहरें तोड़ सके। फिर कहता है जमीन पर भी नहीं कोई मिला कि इसकी क्या कर सके, मोहरें तोड़ सके, इसको खोल सके। फिर आगे लिखा है जमीन के नीचे के भी नहीं मिला उसको, यानी तीनों जगहों पर उसने क्या कर ली, देखा है, नजर की है। फिर कहता है वही शख्स ये कह सकता है ना जो उसने नजर की हो, जिसने परखा हो, वही शख्स कह सकता है ना मुझे आसमान पर मिला है, ना जमीन पर मिला है, ना जमीन के नीचे मिला है। लेकिन आगे कलाम में हमें क्या मिलता है, और कलाम हमें ये बताता है कि उस किताब को खोलने क्या बल्कि उस पर नजर करने के भी लायक नहीं मिला। इस किताब पर कोई इतना काबिल नहीं है कि नजर भी कर सके। लेकिन आगे क्या लिखा चौथी आयत में, और मैंने इस बात पर जोर जोर रोने लगा। ये फिर क्या करा, देखो उन्हें पता था, उन्हें पता से कही किताब है, यूहन्ना नू वाजिया तौर ना पता सी कि केड़ी किताब है। उन्हें पता से अगर ये नाम खोली गई तो नाम लगना मुश्किल है, नाम नहीं निकलने जितनी देर तक खुलेगी नहीं। बाइबल मुकद्दस खोलती है तो अंदरों कुछ पता लगना है, किताब खुलेगी तो फिर ही पता लगेगा कि मेरा नाम विच लिखा कि नहीं लिखा। वो हैरान हो गया, रोन लग गया, वो सार सार अपने कदमों से हो रहा। लेकिन कलाम की दसता है, कलाम दसता है कि उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। पांचवी आयत हैरान कुल कर देती है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। ये कौन से बुजुर्ग है, ये कौन से बुजुर्ग है आपको पता है, ये 24 बुजुर्ग है, ये जो खुदा के तख्त के आगे बैठे हुए हैं, इनके तख्त खुदा के तख्त के आगे लगे हुए हैं, उन बुजुर्गों में से ये फरिश्ता ही कौन आके उसे तसल्ली दे रहा है, फरिश्ता दे रहा है तसल्ली, कौन दे रहा है, बुजुर्गों में से कोई दे रहा है। यानी इंसान के पास खुदा ने ये मुकाशवा पहले ही दिया हुआ था, ये बुजुर्ग बाद में जाने आसमान पर। ये जो टाइम है एंड टाइम है, ये एंड का वक्त बताया जा रहा है, कभी एंड टाइम में ऐसा होगा, एंड टाइम की ये बातें हो रही हैं। अभी वो 24 बुजुर्गों की बात कर रहा है जो अब एक एक करके अपनी बारी पर जा रहे हैं, और कुछ का ये कहना है कि पुराने आदनामे से 12 मिलते हैं, और कुछ का ये कहते हैं कि 12 हमें नए आदनामे में से मिलते हैं। वो 24 इस तरह करते हैं। अगर हमने इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये बात पक्की है कि वो आगे जो है 24 जो है वो बुजुर्ग होंगे और इंसान होंगे, और उन इंसानों में से एक शख्स उठता है और कहता है कि मत रो, दे दे। क्या कहता है, दे। यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, इस किताब को और इसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए ये की बात कर रहे हैं। यहूदा के कबीले की जो तरफ इशारा है ये किसकी तरफ है, ये यीशु मसीह की तरफ है, ये तो हमें समझ आता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्ड है इस पर आज हम दोनों करेंगे, यहूदा के कबीले का, यहूदा के कबीले का। देखिए बब्बर भी शेर को ही कहते हैं, वो शेर शेर को ही शेर ही कहते हैं, बब्बर भी शेर को कहते हैं। लेकिन ये लॉस ऑफ स्पेसिफिक उसको बब्बर देने की क्या जरूरत है, समझ लिया ना मेरी बात, मतलब उसको शेर भी सीधा देता देता तो हमने फिर भी शेर ही कहना था। लेकिन उसने एक खास वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया, एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया। पूरी बाइबल में कदस पाठ हुआ, पूरी बाइबल में कदस पाठ हुआ, सिर्फ यीशु मसीह ऐ जेड़ा इत्थे इस्तेमाल होया, मतलब तुम कितने नहीं गए,
सिर्फ इकट्ठी ना उस तो पहले जो मसीह के शेर क्या भी है सिर्फ इकट्ठी का मिल जाएगा कि वो यहूदा के कबीले का की है बब्बर हर सुनी हो ये गल समझ नहीं आई जेड़ा बब्बर वास्ते इतने लफ्ज इस्तेमाल होया ना यूनिक बब्बर ये वास्ते की अंदर इंग्लिश तर्जमा यूनिक लाइन यूनिक लाइन यानी खास शेर और खास केस चीजें जो आम चीजों से समझने की कोशिश करते हैं जंगल का एक असूल है जंगल का एक असूल है कि शेर के आगे सब डरते हैं उससे भागते हैं उन्होंने शेर का की क्या जंगल का की क्या जाता है बादशाह क्या जाता है लेकिन हूँ जंगल से बहुत बड़ा है और एक शेर की जी गर्ज है ना गर्ज वो तकरीबन 8 किलोमीटर तक 8 से 7 किलोमीटर की होती है जो गर्जता है ना जो आवाज होती है किन्नी किलोमीटर तक जाती है 8-7 किलोमीटर जाती है साइंस का एक है यानी अगर वो जो तो गर्जता है वो बाउंड्री ये बाउंड्री टैरिटी क्या जाना बड़ी टैरिटी के बीच वो किसी को परेशान नहीं करता जितों सीधा उनकी आवाज जाती है घर तो जो अपने लेकिन जंगल बहुत 8 किलोमीटर की मैं गल कर रहा मतलब अगर 8 किलोमीटर के दायरे में एक शेर है तो किसी और शेर ने भी द्रोहित होना उत्थे भी कोई शेर होना यदि 8 किलोमीटर तक यह पता नहीं किन्ने के मिल सकते हैं लेकिन एक शेर जो बब्बर होंगे ना ये झुंड च नहीं रहता बब्बर झुंड च नहीं रहता शेर बब्बर रह सकता है लेकिन जो बब्बर कदा होता है यह कभी झुंड च नहीं रहता यह काम की होंगे काम समझ एक को जाता है उत्थे का जो सरदार होता शेर उन्होंने ललकार आ मेरे ना फाइट पाए जे तू फाइट की तू जित गया तो मैं तेरा इलाका छड़ के चल जाऊंगा जे मैं तेरे को जित गया तेनू इलाका छड़ के जाना पैना इस शेरां दे विच हुंदा बस वो अगर उतो जितदा है तो फिर की करदा उस इलाके ते कब्जा पा लैंदा फिर ओदा उत्थे दी टिकान कुछ देर उत्थे वक्त काटदा फिर अगले टिकाने ते जांदा है यानी उन्हें जिन्नी देर तक पूरे जंगल ते जा के शेर मार दिंदा जां फिर उन्हां ते फतह नहीं ना पा रहा उन्नी देर तक वो बब्बर नहीं कहलांदा तो वो यहूदा को कहता है जब उसका बाप उसको बरकते देता है ना यकूब सब 12 को 12 को तो फिर यहूदा का जब नाम आता है तो कहता है कि तू उस शेर की मानद है जो दीपक का बैठा है कि अब कुछ कोई तुझे छेड़े और छेड़ने के बाद क्या है उसे तू फाड़ खाए ये उसको शेर कहा जा रहा है अब देखिए यहूदा दे कभी नहीं सॉरी मैंने टाइम अच्छा कबीले की बात कर रहा हूं फिर उस कबीले को क्या कहा जाता है शेर कहा जाता है जमीन पर यानी जमीन पर जितने भी इंसान हमें मिलते हैं उन इंसानों में से सबसे ज्यादा जो ताकतवर हमें मिलता है वो यहूदा का कबीला मिलता है और ये आज सच भी है देखिए जहां कभी हुई है इसराइल के साथ वो यहूदा का कबीला के साथ लाखों यहूदी जो थे वो एक साइड पे हो गए थे और बाकी 10 एक साइड पे हो गए थे लेकिन ये जो यहूदा का कबीला हमें मिलता है ना ये आज पूरी दुनिया की उन्होंने पूरी दुनिया को नथ डाली हुई है जैसे इतना मतलब उन्होंने इसके अंदर अपनी अमाउंटमेंट रखते हैं छोटा सा मजहब है यहूदा के कबीला जो क्या है इसराइली जो है कितना से है छोटे से मुल्क के अंदर रहते हैं थोड़े से हैं तादाद में भी इतनी नहीं है लेकिन सब दुनिया उसके इशारों पर नाचते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल ताकत में हर चीज में क्या है यहूदा का कबीला जो उसके मुताबिक प्रोफेसी उसके मुताबिक बता रहा है यानी जमीन पर हमें कोई इंसानों में से ताकतवर मिलता है तो वो किसका कबीला मिलता है यहूदा का कबीला मिलता है फिर सुने सुने जमीन के नीचे जहां पर शैतान है वो भी तो उसका हेड है कौन है किसकी तरफ जाएगा वहां पर यीशु मसीह जब तक कब्र में नहीं ना उतरा वहां पर अबलीस की हुकूमत थी अबलीस की हुकूमत अबलीस वहां का हेड था जैसे आप पताल बोलते हो जहन्नम बोलते हो वहां का कौन हेड था अबलीस
देखें, अब यीशु मसीह जब जमीन पर आया तो यहूदा के कबीले से ज्यादा सतबद्ध रह गया, ठीक है, ज्यादा ऊपर आ गया। अब आज सुनिएगा, जरा समझ में आ रहे, आपको आने लगेगी ये मैं क्या क्या रहा। जब जमीन पर आया तो इंसानों में से सबसे ज्यादा ऊपर यहूदा के कबीले में से कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। अब अगर हम किसी की परस्तिश करते हैं, कहें या प्रेस या पहले लावियों में से होते थे, अब यीशु मसीह जो है यहूदा के कबीले में से, और सुप्रीम कायम वो हमें मिलता है, सबसे ऊपर सरदार कायम जिसे आप बोलते हैं वो हमें मिलता है। फिर उसके बाद हम जब गए थे, जब जमीन के नीचे यीशु मसीह 3 दिन के लिए गया, तो वहां हमें बाइबल मुकद्दस बताती है 3 दिन के लिए यीशु मसीह ने जमीन के नीचे जो कैदी रहे थे उन्होंने क्या किया, मनाती थी। अब देखिए 3 दिन वहां पर मनाती कर रहा है, और किसी के आप जहां पर घर में जाकर के काम करते हैं तो उसके घर का जो मालिक है वो परेशान होता कि नहीं होता, वो आपको रोकेगा कि नहीं? अब वो अबलीस का घर था, वहां पर जाकर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उससे फाइट भी कर रहे होंगे। तो वहां पर भी बाइबल मुकद्दस बयान करती है बहुत सारी कैदों को, कैदियों को क्या किया, ऊपर लेकर आ गया। अब बात याद सुने, ये दो वाक्य जो हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस में, यहाँ पर हमें 3 जगह मिलती हैं। जब बब्बर जाता है तो वो सारे शेरों को, जहां जहां के शेर होते हैं, और अबलीस को भी कहा गया कि ये ऐसा शेर है कि देखता है कि कब किसी को फाड़ खाए, ये फाड़ने वाला शेर है, जख्म लगाने वाला शेर है। यहूदा को भी शेर कहा जाता है, जमीन पर भी शेर मिलता है, पताल में भी हमें शेर मिलता है, लेकिन ये जो आसमान का शेर है वो इसलिए बब्बर कहलाता है क्योंकि वो जमीन पर भी जा लग पाया है, जमीन के नीचे भी जा लग पाया है और आसमान पर। इसलिए हम उसे बब्बर कहते हैं। नो, जस शेर बब्बर कल्ला बब्बर ये कहना करना करना करम तो ठीक करिए ना, करम तो ठीक करिए। क्या कहते हैं यहूदा के कबीले का बब्बर, ये शेर बब्बर जो है, फिर ठीक है ये वर्ड, लेकिन जब आप बब्बर बोलते हैं तो फिर उसकी सही कुवत, सही ताकत, उसके इख्तियार और उसकी फतह को आप रेकोनाइज करते हैं, जाहिर करते हैं कि वो क्या है असल। इसलिए वो लिखता है कि यहूदा के कबीले का बब्बर। सॉरी, सब ध्यान बचा अभी तो ना, थैंक यू सर, मैं करूंगा 5 ये आखिरी बात कर ले, ये अभी तो मैं शुरू हुआ था, मतलब मैं आपको बस बता रहा था कबर की समस्या चले, लेकिन हम कवर करते हैं बाइबल में आता है। तो क्या कह रहे हैं हम बाइबल मुकद्दस में से, क्या सीख रहे हैं हम? यहूदा के कबीले का बब्बर है कि नहीं? वो बब्बर है कि नहीं? बब्बर साबित किया ना उसने, तीनों जहानों में अब उसका राज चलता है। लिखा है कि पहले आदमी वाह की कुंजियां अबलीस के पास थी, अब यीशु के पास है। यहाँ पर यीशु वहां पर भी अख्तियार रखता है, जमीन पर भी अख्तियार रखता है और आसमान पर भी अख्तियार रखता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें किसको फॉलो करने की जरूरत है, किसके पीछे जाने की जरूरत है? वो जो तीनों जहानों पर राज करता है या वो जो सिर्फ जमीन पर? आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द, आपकी बात नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो कब्रों पर जाते हैं, बाबियां के कोल जाते हैं, है ना? अच्छा, है ना? मैं पता क्यों ना सिखा रहा हूँ, सही सही मैम, ठीक है, मैं क्यों दे रहा हूँ कि हमें अपना कब्र का नहीं पता। अगर बब्बर का पता चल जाए ना तो यकीन माने उसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम अपनी नस्लें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ बब्बर का पता चल जाए। क्योंकि जब मरेंगे या तो आसमान हमारा रास्ता है या कौन सा रास्ता है, पताल, यही है ना, मरने के बाद दो ही हमें वे मिलते हैं। अगर बब्बर के साथ लगी हो, बब्बर के साथ लगी हो ना, तो जो नीचे का शेर है खींचने की भी कोशिश करेगा तो यीशु उसका भी सर कुचल के आपको ऊपर ले पाएगा। अरे अरे, जब बब्बर के साथ लगी हो तो सुने कलाम मुकद्दस में से एक वाक्य आपके सामने, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। कितने दानियल के वाक्य को जानते हैं, जहां पर उसको उस शेरों की मान के आगे फेंका जाता है। कलाम मुकद्दस में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो कलाम
हमें बताता है कि भी वो मोहर लगा दी गई होती है। बादशाह इस बात से परेशान होता है लेकिन मजबूरन उसको शेरों की मांग में फेंका जाता है। लेकिन ये बाप क्या सुनेगा, बाप क्या क्या कलाम को बयान करता है कि वो शेर इस तरह के रखे हुए थे, ट्रेन किए हुए थे या भूखे रखे जाते थे कि जब भी उसमें कोई भी जानवर या फिर इंसान फेंका जाता तो वो शेर उसको नीचे आने से पहले पहले उसकी हड्डियां तोड़ देते, उसका गोश्त को नोच लेते और उसकी हड्डियां जमीन पर आके लगती। यानी कितनी वो ताकतवर शेर हैं, इतने ताकतवर शेर हैं तो वहां पर उनको क्या करते हैं, उनको पोंछ लेते हैं, उसको वहां पे खा लेते हैं। लेकिन जंगल का जो असूल है, जब शेर अपने ग्रुप के साथ निकलता है ना गोश्त की तलाश में, शिकार की तलाश में, तो वो पता क्या करते हैं, इकट्ठे जाते हैं, वो कट्ठे जाकर फिर वहां पर शिकार मारते हैं। और शिकार मारने के बाद जितने भी शेर होते हैं वो उनको मुंह नहीं लगाते। उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह ये है जब तक उस ग्रुप में उसका लीडर है तब तक वो शेर जो है उस खाने को नहीं मुंह लगाते। तो मैं कहता हूँ हजारों शेरों के आगे भी दानियों को फेंकते तो फिर भी मुंह ना लगाते क्योंकि उसका बफर उसके साथ है। और अगर आपका बफर आपके साथ है तो इर्द-गिर्द से जितने मर्जी हमला करने वाले आपके साथ आ जाए तो आपको आंच नहीं मारेंगे। हालेलुया। किसको साथ रखने की जरूरत है हमें, देखिए जमीन पर भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है, आग से भी प्रोटेक्ट करता है जो गंदर किया गया। फिर हमें कहां पर वो तख्त देता है, मुकाम देता है। कलाम में लिखा है कि तुम तो मेरे साथ बैठा इस तख्त पर बैठकर किनका इंसाफ करो, किनका नहीं, मुबारक कबीलों वाले ना मुबारक कबीले वाले नहीं करना, सिर्फ मुबारक शरीफ को नहीं करना, हमारे लिए नहीं लिखा, तुम इन फरिश्तों का इंसाफ कर रहे हैं। लोग फरिश्ते के पास में जैसे उनका इंसाफ कर, लेकिन कब 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 अब तुम लोग फरिश्ते केड़े हैं क्या लोग जिस जो जमीन के नीचे हैं जो फेंके गए थे आसमान से। बहुत सारी बातें हैं ऊपर के ऊपर लेकिन मैं चाहता हूँ आए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो। अगर आप इस बात की समझ आ गई है ना हमारा पकड़ इसके आगे कोई ख्याल नहीं सकता, वो हमें प्रोटेक्ट भी करना जानता है, तो आए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो। दुआ करो भाई भाई और सरसिया जी भाई बताओ थोड़ा सा भाई साहब। Hallelujah. अगर आज आप खुदा की बरकतों से बनना चाहते हैं, ये वक्त है कि खुदा आपको भरे, तो अपने लबों को खोलना शुरू करें। जो आपकी फरियाद है, जो आपकी इल्तजा है, जो कुछ आप खुदा से चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे, वो करने पर कादर है। बस अब आपको उसके सामने जाने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, खुदा मेरी ये नीड है, मेरी ये जरूरत है, खुदा मेरे लिए काम कर रहे, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरा खानदान खुदावन तेरे हजूर आ जाता है। आए खुदावन से कहना शुरू करें अपने कारोबार के लिए, जॉब के लिए, जो मसले आपके चुगिर्द हैं आप उनको खुदा के सामने ले आए। आज खुदा जो जिंदा खुदा है आपके तमाम मसले वो हल करने की कुदरत रखता है। आए दुआ करना शुरू करें। खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की शुक्रगुजारी। प्यारे बेटे सारा सहरा हमारे सामने आ जाए आज के कलाम के लिए, हालेलुया। खुदा के खादिम के लिए, हजरत जमायत के लिए, सारे मकाशफात के लिए, यहूदा के बंबर के लिए, प्यारी बेटी के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करें आज के कलाम के लिए। अब जीत के बाप है हर वर्ग के खाली को हमारे शहर में दरवाजे का तो जो था और जो है और जो आने वाला है तो जो अल्फा और ओमेगा है ऐ खुदा बेशक तुझी तारीफ और तमजीद के हम तो बुजुर्गी और बढ़ाई के लायक है। ऐ खुदा खुदा गुजरे हुए तमाम तर वक्त के लिए उसमें दी गई तेरी मुआवजा और निगरानी के लिए और खास तौर पर ऐ खुदा तेरे रूह के गहरे मसा के लिए और तेरे फ्लो के लिए ऐ खुदा तेरे दिल से शुक्रगुजारी।
हो। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने अपना खुदा हमारी खाली झोलियों को अपने कलाम से और अपने इल्हाम से भर दिया। अपना इस बात के लिए तेरी बड़ी शुक्र गुजारी हो। ऐ खुदा खुदा जब तुझे अपने लोगों तक अपने कलाम को और ऐ खुदा अपने मुंह की बातों को पहुंचाया है तो फजल बख्श दे कि ऐ खुदा खुदा ये बीज इनके दिलों की जमीन पर ऐ खुदा खुदा हमेशा इनके जहनों में और इनके दिलो दिमागों में तारी रहे और कभी भी ये तेरा कलाम इनसे चुरा ना पाए। ऐ खुदा इसी तरह तेरे हुजूर में मिन्नत करती हूँ कि जितना और वक्त तेरे हुजूर में गुजारा जाए उसके वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावन तेरे रूह का कब्र और तेरा मसीह इसी तरह से छाया रहे और ऐ खुदा खुदा तेरे रूह की गहरी बारिश इसी तरह से हम पर होती रहे। ऐ खुदा खुदा जितना भी वक्त और तेरी हुजूर में गुजारा जाए उसके लिए मैं तेरी बड़ी मदद और अनुमति को मांग लेती हूँ। ऐ खुदा खुदा बाकी तमाम कल सेशन में तो अपने रूह का और ज्यादा मसा और ज्यादा गहरा जोर देकर इस्तेमाल करना। तू छू ले और बड़ी बरकत दे। मांग लेते हैं तेरे बेटे अल मसीह के वसीला से। आमीन।